नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कनुप्रिया इस काव्य का रसास्वादन। मैंने इसका स्पष्टीकरण अपलोड कर दिया है, अगर आपको देखना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है मुद्दों के आधार पर, यानी कि हमें कुछ मुद्दे दिए रहते हैं जिसको हमें लिखना होता है। और कृति का जो प्रश्न दो, यानी कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन ई, इसमें रहेगा रसास्वादन। तो इसका प्रश्न कैसा रहेगा देख लो। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कनुप्रिया कविता का रसास्वादन कीजिए, यानी कि आपको ऐसा प्रश्न रहेगा और यहाँ पर कोई भी कविता का नाम रहेगा जिसका आपको रसास्वादन करना है। तो सबसे पहला मुद्दा हमें पता है क्या होता है, रचना का शीर्षक यानी कि टाइटल क्या है। तो इसका है कनुप्रिया विशेष अध्ययन के लिए, आपको 10 मार्क्स के लिए प्रश्न आएंगे इस कविता में से। उसके बाद रचनाकार यानी कि लेखक पोएट हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। अब आगे चलते हैं, कविता की केंद्रीय कल्पना यानी कि कविता के मध्य में क्या है, कविता का थीम क्या है। तो अगर आपने इस कविता को एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी केंद्रीय कल्पना क्या है। इसमें राधा जो रहती हैं वो कृष्ण से कहती हैं कि मैं महाभारत के युद्ध को निरर्थक मानती हूँ, मेरे अनुसार प्रेम ही सर्वोपरि है। तो ये इसका उत्तर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रस अलंकार, तो इसमें रस और अलंकार है नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है उसे। अगला है प्रतीक विधान। तो प्रतीक विधान मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक पुराने वीडियो में कि प्रतीक विधान मतलब देखो किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी घटना को बताने के लिए उसकी तुलना की जाना किसी दूसरे चीज़ से, उसको उदाहरण देकर समझाना। जैसे यहाँ पर क्या है देखो, राधा कनु को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे प्रेम को तुमने साध्य ना मानकर साधन माना, यानी कि राधा कृष्ण से कहती है कि तुमने मेरे प्रेम को सार्थक नहीं बनाया, उसे सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, तुमने मेरे पुल को एक सेतु की तरह, देखो यहाँ पर दिया है सेतु बना दिया, सेतु की तरह एक पुल की तरह इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ लीला क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र को जोड़ने के लिए सेतु जैसे प्रतीक का उपयोग किया गया है, यानी कि सेतु का उदाहरण दिया गया है। लीला क्षेत्र यानी कि कृष्ण और राधा के प्रेम के क्षेत्र, और युद्ध क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र, इसकी दूरी को नापने के लिए कृष्ण ने राधा के प्रेम का उपयोग किया, उसे एक सेतु जैसा इस्तेमाल किया, यही यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है कल्पना। तो प्रस्तुत काव्य रचना में राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका को अवचेतन मन वाली राधा के दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है, यानी कि यह प्रस्तुत काव्य जो है इसमें सब बताया गया है कि राधा क्या क्या सोच रही है, उनके मन में क्या ख्याल चल रहे हैं महाभारत के युद्ध को लेकर। अगला है पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। यहाँ पर आपको अपने पसंद की कोई भी पंक्ति लिखनी है, ज़रूरी नहीं कि जो डाइजेस्ट में दिया है, जो बुक में दिया है वही पंक्ति यहाँ पर लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी पंक्ति अच्छा लगता है वो लिखना है, इसलिए कविता तो याद रहनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरी कविता याद हो, एक आध लाइन याद कर लेना जो आपको अच्छी लगती हो और उसका मतलब समझ लेना क्या होता है। तो यहाँ पर देखो कौन सी पंक्तियाँ दी है, दुख की करती है पगली क्या हुआ जो कनु के वर्तमान अपने तेरे उन्तन में, क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं, उदास की होती है ना समझ की, इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिवर्तित छूट गए हैं। तो देखो यहाँ पर आप जो भी लाइन लिखोगे उसका मतलब भी आपको लिखना होगा। आखिरी मुद्दा है कविता पसंद आने का कारण, यानी कि आपको कविता क्यों पसंद आई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो ये जो कविता है ना, ये हमारे आज के जीवन से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि देखो राधा को दुख है कृष्ण से दूर जाने का, कृष्ण उनसे दूर चले गए, ये उनका दुख है, लेकिन ये कविता कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। कैसे, जैसे जिनके बेटे, जिन परिवार के बेटे अपने परिवारों के साथ नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में गृहस्थी के कारण मिल नहीं पाते, ठीक है, नौकरी के लिए दूर जाते हैं अपने परिवार से, उनकी भी व्यथा ये है कि सालों साल वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते काम के सिलसिले में। तो ये आप लिख सकते हो, इसका उत्तर देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं मुद्दों के आधार पर तो हो गया हमारा, अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी यही रहता है, आपको पहले कविता का नाम, कवि का नाम लिखना होता है, लेकिन एक पैसेज में लिखना होता है, ऐसा पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें पेपर में लिखना कैसे है, अर्थ के आधार पर या फिर मुद्दों के आधार पर। तो देखो प्रश्न में, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मुद्दों के आधार पर करना है या फिर अर्थ के आधार पर, उसका कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और ऑप्शन में भी दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा, अर्थ के आधार पर भी और मुद्दों के आधार पर भी। तो जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो, एक ही कोई अच्छे से जो आता हो वही लिखो। उसके बाद ये अर्थ के आधार पर आप देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। मैंने इससे पहले जितनी भी कविता हैं, हमारा फर्स्ट कविता जो है नवनिर्माण, उसके बाद सच हम नहीं सच तुम नहीं, जितनी भी कविताएं हैं मैंने सबका रसास्वादन अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पर देखने के लिए।